हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन। तो बच्चों देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एरर फंक्शन पहले क्या होता है, फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। वी हैव, हमारे पास क्या है, एरर फंक्शन, एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी इक्वल टू, एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी डिफाइंड है 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू रूट टी। ये बच्चों हमारे पास में क्या होता है, एरर फंक्शन होता है। तो एरर फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब मैं इसी पार्ट को पहले एक्स और जो है वो सिंपलीफाई करता हूँ, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई यहां देखें बच्चों, सिंस e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो बच्चों अगर यहां पर माइनस का साइन हो तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये अल्टरनेट, और यहाँ माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास है प्लस, और माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से अल्टरनेट साइन आएंगे। तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x के स्थान पर x स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आया dx। अब इसे क्या करा जा सकता है बच्चों, इंटीग्रेट करना इजी रहेगा। तो देखें इंटीग्रेट करते हैं, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, 1 फैक्टोरियल पहले से था, प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 और ऑलरेडी 2 फैक्टोरियल था, तो क्या था 2 फैक्टोरियल माइनस x टू द पावर 6 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 7 अपॉन 7 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी तक गया होगा, 0 और स्क्वायर रूट टी इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, एक्स के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई एक्स के स्थान पर रूट टी, तो ये टी टू की पावर 1/2 हो गया बच्चों, माइनस ये 3 लिख देता हूं मैं, इसके लिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो x के स्थान पर अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ t लिखूं तो ये t टू द पावर 1/2 टू द पावर 3, तो t टू द पावर 3/2 प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, ये 10 हो गया,
टी टू द पावर 7/2 क्या हो गया, सॉरी रूट टी टू द पावर 5 टी टू द पावर 5/2 ये बच्चों क्या हुआ 5/2 माइनस यहां देखिए ये वैल्यू बच्चों क्या हुई 3 factorial की वैल्यू 3 × 2 × 1 और यहां पर 7 है 7 × 2 factorial 3 7 × 3 × 2 × 1 42 टी टू द पावर 7/2 प्लस अप टू इन्फिनिटी ये हुआ बच्चों। अब हम क्या करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन फाइंड आउट करना था। एरर फंक्शन हमारे पास में एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी की वैल्यू ये आ गई। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी इक्वल टू दोनों लाप्लास ले लिया तो 2/√π बच्चों कॉमन है और एक कांस्टेंट है तो हमने 2/√π फिर क्या लिख दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 यहां देखिए −1/3 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2 प्लस 1/10 पहले लिख लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर 5/2 माइनस 1/42 वहां लिख लें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर 7/2 प्लस अप टू इन्फिनिटी इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हुआ। अब देखें बच्चों हम एक फॉर्मूला जानते हैं सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू गामा एन प्लस 1/(s^n+1) ये बच्चों हमारे पास में एक क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्मूला है तो बच्चों देखें हमारे पास में 2/√π लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसकी वैल्यू क्या हो गई गामा एन क्या है हमारे पास में 1/2 है 1/2 प्लस 1 तो ये बच्चों क्या हो गया 3/2 तो डायरेक्ट 3/2 एस टू दी पावर एन प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 ये आया माइनस 1/3 गामा 3/2 प्लस 1 कैसे लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1 इसको क्या लिख देंगे बच्चों इसे लिख देंगे 5/2 अपॉन एस टू द पावर 5/2 प्लस 1/10 यहां गामा 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 ये बच्चों हो गया 7/2 क्या हो गया 7/2 एस टू द पावर 7/2 माइनस 1/42 गामा 7/2 प्लस 1
9 by 2 upon f to the power 9 by 2 प्लस आपको इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये इस तरीके से अप्लाई किया। अब देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला हमारे पास में और होता है, गामा एन प्लस वन का वैल्यू होता है एन गामा एन। गामा एन प्लस वन की वैल्यू होती है एन गामा एन। तो मतलब यहां वन कम लिखना है, यहां भी वही लिखना है, तो टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई। देखिए बच्चों, थ्री अपॉन टू में से वन कम किया तो हमारे पास में ये वन अपॉन टू, वन अपॉन टू गामा वन अपॉन टू। जैसे गामा फाइव की वैल्यू लिखना हो तो फोर गामा फोर, फोर गामा फोर की वैल्यू फिर थ्री गामा थ्री, फोर इंटू थ्री गामा थ्री की वैल्यू टू गामा टू गामा टू, फोर इंटू थ्री इंटू टू गामा टू की वैल्यू वन गामा वन, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और गामा वन की वैल्यू भी वन होती है। तो ये वैल्यू चाहिए तो हमारे पास में एफ टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस वन अपॉन थ्री बच्चों ये आया, एफ टू दी पावर फाइव बाई टू ये आया। और यहाँ फाइव बाई टू से वन कम करें, देखिए यहाँ लिख करके दिखा देते हैं, फाइव बाई टू से वन कम, फाइव बाई टू से वन कम क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू, थ्री बाई टू। अब इसकी वैल्यू पुट करें, थ्री बाई टू से वन कम वन बाई टू, तो वन बाई टू गामा वन बाई टू आया बच्चों। ये बच्चों मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन बीटा गामा फंक्शन में क्या हुआ है। तो अगर नहीं भी पढ़ा है आप लोगों ने तो वह सिर्फ इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, थ्री बाई टू माइनस वन इजकल टू वन बाई टू। तो हमारे पास भी क्या वैल्यू आई इसकी, थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू गामा वन बाई टू, ये वैल्यू आई। आगे चलते हैं बच्चों, प्लस वन बाई टेन एफ टू दावर सेवन बाई टू। यहां देखिए वन कम करें बच्चे, सेवन बाई टू में से वन कम करेंगे तो फाइव बाई टू, गामा फाइव बाई टू बचेगा, उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें से वन कम करेंगे थ्री बाई टू, वन बाई टू गामा वन बाई टू। समझ में नहीं आया तो बच्चों यहां देख सकते हैं, गामा सेवन बाई टू इससे एक कम क्या आएगा फाइव बाई टू, फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू। इस फॉर्मूले का तो यूज किया, एन प्लस वन है तो एन गामा एन। आगे चलते हैं बच्चों, फाइव बाई टू इंटू फाइव बाई टू में से अब वन कम किया तो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू। अब बच्चों फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू इस थ्री बाई टू में से वन कम किया तो मेरे पास में बच्चों वन बाई टू बचा, वन बाई टू गामा वन बाई टू वही मैंने लिख दिया बच्चों। माइनस 142 नाइन बाई टू में से वन कम करा सेवन बाई टू, सेवन बाई टू में से वन कम करा फाइव बाई टू, फाइव बाई टू में से वन कम किया थ्री बाई टू, थ्री बाई टू में से वन कम किया वन बाई टू गामा वन बाई टू एक्स टू दी पावर नाइन बाई टू। इस तरीके से आपको इन्फिनिटी तक चले जाएंगे बच्चों। तो ये हमारे पास में
एक्स्ट्रा रफ वर्क किया है आपको समझाने के लिए, हटा देते हैं। तो बच्चों ये समझ में आपके आया होगा। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, यहाँ ब्रेकेट लगा देते हैं। बच्चों ये नीचे का पार्ट देख लो, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। टू अपॉन रूट फाइव, और बच्चों देखो हमारे पास में गामा वन बाई टू कॉमन आ रहा है, गामा वन बाई टू और एस टू द पावर थ्री बाई टू कॉमन आ रहा है। क्या बच्चा हमारे पास में देखिए बच्चों ये टू अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो ये वन अपॉन रूट पाई, टू अंदर ले गए तो वन अपॉन टू इंटू टू, तो ये हमारे पास में यहां पर और रू गामा वन बाई टू ये कॉमन ले लिया, एस टू द थ्री बाई टू कॉमन ले लिया। अब हम टू अंदर ले गए तो एक टू से एक टू कैंसिल आउट हुआ, देखें टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू अपॉन ये थ्री और एक ये थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू और ये टू अंदर लेकर के गए तो ये, तो हमारे पास में इस टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हुआ। क्या बचा बच्चों? सिर्फ माइनस वन बाई टू और गामा वन बाई टू कॉमन ले लिया, एस टू द पावर फाइव बाई टू में से हमने थ्री बाई टू कॉमन ले लिया, तो बच्चों टू बाई टू मीन्स वन बचा, एस बचा प्लस, यहां देखिए बच्चों क्या बचा, यहां हमारे पास में टू ये हम अंदर ले गए, ये वाला टू हमारे पास क्या था फाइव बाई टू, फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू, थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू अपॉन बच्चों क्या है ये टेन है। तो देखें बच्चों यहां पर हमारे पास में यहां पर टू से टू कैंसिल आउट हुआ और इस फाइव से ये टू कैंसिल आउट हुआ, थ्री अपॉन टू टू या फोर टू या एट, थ्री अपॉन एट बचा बच्चों, थ्री अपॉन एट और एट वह सेवन बाई टू में से थ्री बाई टू कॉमन ले लिया, सेवन बाई टू में से थ्री बाई टू कॉमन ले लिया, तो बच्चों फोर बाई टू बचा, तो वन अपॉन ये एस स्क्वायर बचा बच्चे। यहां माइनस हमारे पास में बच्चों क्या बचा, देखिए यहां रफ वर्क कर लेते हैं, टू तो ये वाला टू कौन सा है, ये टू अंदर मल्टीप्लीकेशन करके पहुंचा और सेवन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू, गामा वन अपॉन टू कॉमन आ गया और इसे वन अपॉन फोर्टी टू को ऐसे लिख लें वन अपॉन फोर्टी टू, यहां टू से बच्चों ये टू कैंसिल आउट हुआ और देखें सेवन सिक्स जा और थ्री टू जा, तो हमारे पास में फाइव अपॉन क्या आ रहा है बच्चों, टू टू या फोर टू या एट टू या सिक्सटीन, सिक्सटीन और यहां है हमारे पास में नाइन बाई टू, इसमें से थ्री बाई टू कॉमन ले लिया तो सिक्स बाई टू थ्री बचा, तो अपॉन एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी ये चला गया बच्चों, ये बचा। ये जो रफ वर्क कर रहा हूं मैं साथ साथ मिटाता जा रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी की वैल्यू आई, ये बच्चों क्या है
हम देखिए यहां बच्चों मैं इसके लिए रब किए देता हूं। इस पूरे को रब किया, देखिए वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई गामा वन अपॉन टू की वैल्यू बच्चों, सेंस गामा वन अपॉन टू की वैल्यू अगर बीटा गामा फंक्शन नहीं किया है तो बच्चों आपको ये लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि बीटा गामा फंक्शन में मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। स्क्वायर रूट ऑफ पाई होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन एफ टू की पावर थ्री बाई टू। यहां बच्चों वन माइनस इसे देखें बच्चों, हम यहां पर ये जो माइनस वन अपॉन टू है इसको हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, यहां प्लस लगा करके माइनस वन अपॉन टू और वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल। तो देखो माइनस वन अपॉन टू वन फैक्टोरियल की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू ही तो है, इंटू वन अपॉन एस प्लस, बच्चों क्या लिख दे रहा हूं मैं, ये जो मेरे पास थ्री अपॉन एट है माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू। तो देखें ये बच्चों माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन फोर हुआ, तो टू और बचा वो टू और लिख दिया मैंने, इस टू को टू फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों अभी दिखाई देगा, और ये इंटू वन अपॉन एस टू दी होल पावर टू लिखता हूं इसके लिए। आगे चलते हैं बच्चों माइनस, यहां देखें क्या लिखें बच्चों, हम इसे हटा दे रहा हूं, सिंस स्क्वायर गामा वन बाई टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई ये वैल्यू। यहां बच्चों देखें माइनस वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू, ये बच्चों कितना हो गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास भी क्या आ गया यहां पर प्लस का साइन आ गया। कितना हुआ ये टोटल, ये टोटल हुआ बच्चों हमारे पास में देखिए ये हुआ 15 अपॉन 8, और है क्या हमारे पास में बच्चों, हमारे पास में बच्चों देखिए इसे देखने हमने इसको मल्टीप्लीकेशन इससे की थी बच्चों, तो देखें हमारे पास में 2 की मल्टीप्लीकेशन किसे की थी 5 बाई 2 से इंटू थ्री बाई टू से इंटू वन बाई टू से, ये टू की मल्टीप्लीकेशन यहां दिखा दे और इंटू वन अपॉन टेन था ये। हम बच्चों इसे सिंप्लीफाई कर लें और फाइव थ्री जा फिफ्टीन, क्या लिख लें फिफ्टीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, और यहां बच्चों हमारे पास में 20 और ये हमारे पास में क्या रहा है 40। ये कैंसिल आउट नहीं किया, कैंसिल आउट हो रहे हैं लेकिन हम कैंसिल आउट नहीं किया, तो हमारे पास में ये बना बच्चों 15 अपॉन 8 इंटू
हमारे पास में है ये 40 कुछ बच्चों मिस्टेक हो रही, 2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 तो हमारे पास में सही है। अगर बच्चों हम ये 2 भी कैंसिल ना करें, क्या नहीं कैंसिल करें, ऐसा ही लिखा रहेंगे 2 × 5/2 तो हमारे पास में क्या आ रहा है ये बच्चों देखें, इतना 15 आ रहा है और 2 × 4 × 8 और हमारे पास में इस 8 और 2 upon 1/5 कितना लिख लिया 1/5 यहां कैंसिल आउट नहीं किया, इसको कैंसिल कर लिया 1/5 तो हमारे पास में टोटल क्या हुआ 15 upon 2 × 4 × 8 = 40 तो 15/8 तो ये हो गया हमारे पास माइनस का। और बच्चों हमारे पास 1/5 बचा तो हमने −15/8 तो हमने ये लिख दिया तो हमारे पास में कितना बचा 5 और बचा 5। यहां बच्चों हमारे पास में 6 बचना चाहिए, देखते हैं अभी बच्चों हम बताते हैं। देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए 1/γ1/2 कॉमन लिया और x²³/2 कॉमन लिया तो हमें बच्चों और क्या करा हमने बच्चों इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बचा। अब इस 2 से मल्टीप्लाई किया जब इसमें तो हमारे पास में 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें 2 × 3/2 × 1/2 अपॉन क्या था बच्चों ये 3 था तो ये 3 से 3 कैंसिल और ये 1 से 1 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 1/2 तो यहां बचा बच्चों −1/2 × s प्लस यहां देखिए बच्चों इसमें हमने क्या कॉमन 2 से मल्टीप्लाई किया इस वाले 2 से मल्टीप्लाई किया यहां है क्या बच्चों किसमें हमारे पास इस वाले पार्ट में 30 तो टर्म है 1/10 पहले से है 5/2 × 3/2 × 1/2 यहां देखिए बच्चों 5 × 2 × 2 से ये आया मेरे पास में 3/8 ये 3/8 s² माइनस अब मैं बच्चों फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म ये और अच्छा फोर्थ टर्म ये इसमें मेरे पास 2 तो जो मल्टीप्लाई करके आया वो 1/42 × 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 अच्छा कैंसिल करते हैं इस 2 से इस 2 को 7 × 6 = 42 अब देखिए बच्चों 3 × 5/2 × 4 × 8 × 16 तो यहां बच्चों बचा 5/16 ये बचा बच्चों बचने में मिस्टेक हो रही थी इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग गया। बच्चों देखिए आगे चलते हैं हमने क्या किया बच्चों गामा 1/2 की वैल्यू
क्या होती है? सिंस गामा 1/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ पाई होती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई रख दिया इसके स्थान पर, एक्स बार 3/2 एज इट इज रखा, 1 इसे क्या किया प्लस माइनस 1/2 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन एस लिख लिया इस वाले पार्ट को, प्लस इस वाले पार्ट के लिए क्या लिखा, इस वाले पार्ट के लिए देखें प्लस ये 3/8 है, तो क्या बच्चों हमने ये लिखा माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो ये माइनस 1/2 माइनस 3/2 अपॉन 2 × 1, तो 3/8 है ये बच्चों, तो 3/8 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर क्या लिखा, ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, माइनस 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 अपॉन, हम लिखेंगे बच्चों यहां पर 3 फैक्टोरियल, तो यहां 3 फैक्टोरियल लिखने पर इस पूरे की वैल्यू क्या हमारे पास में 5/16 आ रही है, -5/16, तो देखें माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन प्लस, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो माइनस आ गया, ये क्या है 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 साइन देख लिया बच्चों मैंने अपॉन 3 × 2 × 1, तो मेरे पास में इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 5/2 × 4 × 8 × 16 ये 5/16 ही है बच्चों, और f इसे क्या लिख सकते हैं इंटू 1/x³ प्लस इस तरीके से आप 2 × 2 तक चले जाएंगे बच्चों, तो सही चला बच्चों। अब आगे देखते हैं हमारे पास में क्या आया, यहां देखिए बच्चों इस रूट पाई से रूट पाई कैसे 1/x³ ये देखिए बच्चों हमारे पास में बाइनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला है सिंस 1 + x² / n 1 + n/1 × x + n² + n, इसमें बच्चों n − 1 / n − 1 / n − 2 / 3 × x³ इस तरीके से बच्चों चलता चला जाएगा ये आपको इन्फिनिटी था, तो हम बच्चों यहां देखना चाहते हैं ये 1 + 1/s² - 1/2 है या नहीं है, तो देखिए हमने 1 हम समझाते हैं आपको 1 + n क्या है, n है हमारे पास में -1/2, तो -1/2 / 1 × ये वाला इंटू s, s की जगह क्या लिख दिया हमने 1/s, x के स्थान पर क्या लिख दिया 1/s प्लस, अब बच्चों ये n − 1 n क्या था हमारे पास में -1/2 और -1/2 - 1 अपॉन 2 × x, x क्या है हमारे पास में 1/x² तो देखो बच्चों -1/2 - 3/2 अपॉन 2 × 1/s² आगे देखें बच्चों इसमें प्लस n, n क्या था -1/2 - 1 और -1/2 - 2, तो देखें -1/2 ये लिखा है, ये -3/2 ये हो गया, ये -5/2 ये हो गया अपॉन 3 × ये 3 × ये हो गया और x³ है, एक्स है 1/s² तो इस प्रकार से बच्चों हम इसको ये लिख सकते हैं
हमारे पास में ये हमारे सही है। चूंकि आगे चलते हैं, देखिए ये ब्रैकेट खत्म कर सकते हैं, क्या कर लें, वन अपॉन एस टू द पावर 3/2। यहाँ बच्चों एस एलसीएम ले लो, एस प्लस वन टू दी होल पावर माइनस वन अपॉन टू, ये हटा देता हूँ बच्चों। वन अपॉन एस टू पावर 3/2, इसे कैसे लिख दें, एस अपॉन एस प्लस वन टू दी पावर 1/2। तो देखिए एस टू दी पावर 1/2, वन अपॉन एस टू पावर 3/2 इंटू एस टू दावर 1/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस वन। और ये क्या आया बच्चों, वन अपॉन एस 3/2 में से 1/2 माइनस करा तो 2/2 आया, और स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस वन। तो इस प्रकार से ये बच्चों हमारे पास में क्या आया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आया ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये वैल्यू आ गई बच्चों। तो ये हमारे पास में बच्चों क्या हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन ऑफ स्क्वायर रूट टू इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर रूट ऑफ एस प्लस वन हो गया। तो ये बच्चों मैं समझता हूँ आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन समझ में आया होगा। और बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।